बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा बाय कॉलम ऑपरेशन। हम लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी किए हैं, लेकिन कोफैक्टर मेथड और बाय रो ऑपरेशन के मेथड के जरिए। आज हम इसको कॉलम ऑपरेशन के मेथड के जरिए सॉल्व करेंगे बेटा। कॉलम ऑपरेशन 1, 2, -3, 0, -2, 0, -2, -2, 2 डॉटेड लाइंस 1, 0, 0 0, 1, 0, 0, 0, 1 ये आ जाएगा, ये आ गया जी। ओके हो गया जी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, हमने जब रो ऑपरेशन किया था तो हम रो के नीचे जीरो बनाते होते थे, अब हम कर रहे हैं कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन जब करेंगे तो हम वन के साइड पे जीरो बनाएंगे, यहां पे जीरो बनेगा। कैसे बनेगा बेटा जीरो, कहां कहां हमने जीरो बनाना है, C2 में और C3 में, C2 और किधर बनना है, C3 में, C3 बेटा। वही बात, अगर यहां +2 है तो यहां क्या आ जाना है, -2, अगर यहां -3 है तो यहां क्या आ जाना है, +3। किसकी हेल्प से जीरो बनना बेटा, इस वन की हेल्प से। ये कहां मौजूद है, C1 में, कहां मौजूद है, C1 में, कहां मौजूद है, C1 में। क्यों गया, अब बेटा ऑपरेशन करने जा रहा हूं इसका, यहां से क्या आएगा, C2 -2 C1। C2 क्या है, 2 2 -2, C1 क्या है, 1, 2 -2 = 0। अब C2 क्या है, -2 -2, C1 क्या है, 0 बेटा, क्या आ जाएगा, -2 -0 -2। अब C2 क्या है बेटे, -2 -2, C1 क्या है, -2 बेटा, क्या आ जाएगा, -2 +4 = 2। फिर क्या आ जाएगा, C2 क्या है, 0 0 -2, C1 क्या है, 1, 0 -2 = -2। अब C2 क्या है, 1 -2, C1 क्या है, 0, 1 -0 = 1। अब बेटा C2 में क्या है, 0 -2 × 0, 0 -0 = 0। अब बेटा नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, C3 + 3 C1। C3 में क्या है, C3 में उसी तरह -3 + 3, C1 में 1, -3 + 3 = 0। अब C3 में क्या है, 0 + 3, C1 में क्या है, 0, 0 + 0 = 0। ओके हो गया। C3 में अब क्या है बेटा, 2 + 3, C1 में है -2, 2 - 6 = -4। अब C3 में क्या है, 0 + 3 × 1, 0 + 3 = 3। अब C3 में क्या है, 0 + 3 × 0, 0 + 0 = 0। अब C3 में क्या है बेटा, 1 + 3 × 0, 1 + 0 = 1। बात समझ आ गई जी। ले जी कॉलम ऑपरेशन में क्या आएगा, पहले कॉलम को कुछ भी नहीं कहेंगे, 1 0 -2 1 0 0। दूसरे कॉलम को क्या कहेंगे उत्तर, 0 -2 2 -2 1 0। तीसरे कॉलम को बेटा 0 0
माइनस फोर, फिर क्या आएगा, थ्री जीरो वन। कुछ बात समझ आई? क्योंकि अब जो चेंज थी वो लिख ली, जरा गौर कीजिएगा गलत तो नहीं है इसमें से कोई चीज, क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती भी हो सकती है, गलती का इम्कान बहुत ज्यादा है। ठीक है, गलती के इम्कान ज्यादा होने की वजह से बेटा ये हमें टेंशन भी दे सकते हैं क्वेश्चन। जी अब क्या करूंगा, अब यहां पे वन बनाऊंगा, यहां पे वन बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग माइनस वन ओवर टू इन सी टू, पूरे कॉलम को माइनस वन ओवर टू से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ जाएगा यहां से, कॉलम ऑपरेशन वन जीरो माइनस टू, वन जीरो 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 वन माइनस वन वन, वन माइनस वन ओवर टू जीरो 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 माइनस फोर थ्री जीरो वन, याद आएगा। अब दूसरी तरह दरमियान में डॉटेड लाइन, ओके हो गया जी। अब क्या करूंगा, वन के इस तरफ दोनों तरफ पे जीरो बनाऊंगा, वो जीरो बने पड़े, वन के दोनों तरफ पे जीरो बने पड़े हैं। अब क्या करूंगा जी, इसको मैं अब सॉल्व करूंगा, आगे मैं क्या करूंगा बेटा, वन के दोनों तरफ जीरो बने पड़े हैं, ठीक है, ओके हो गया, ये हो गया। अब यहां पे वन बनाऊंगा, वन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं उसको करने जा रहा हूं, वन, अब यहां वन बनाऊंगा, क्या आएगा जी, क्या आएगा बेटा यहां से, मल्टीप्लाइंग फिर वही चीज, मल्टीप्लाइंग माइनस वन ओवर फोर इन सी थ्री, कॉलम थ्री को माइनस वन ओवर फोर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा बेटा यहां से, कॉलम ऑपरेशन वन जीरो माइनस टू, वन जीरो 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 वन जीरो, ये आ जाएगा माइनस वन, यहां से क्या आएगा, वन माइनस वन ओवर टू जीरो 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 वन, ओके हो गया। इसको बेटा मल्टीप्लाई किया, यहां क्या आया, माइनस थ्री ओवर फोर, इसको किया जीरो, इसको किया यहां क्या आया, माइनस वन ओवर फोर, ओके हो गया। इसके दरमियान में उसी तरह डॉटेड लाइन। अब इस वन के यहां पे जीरो बनाना है, इस साइड पे जीरो बनाना है, कहां कहां पे जीरो बनने हैं, एक तो बनना है सी वन में, सी वन में, दूसरा जीरो कहां बनना है बेटा, सी टू में, ओके हो गया। ऑपरेशन क्या है, यहां माइनस टू है तो ऑपरेशन में क्या आना है, प्लस टू, यहां माइनस वन है तो ऑपरेशन में क्या आना है, प्लस वन, बेटा किसकी वजह से आना है, तो तरफ सी थ्री, सी थ्री, बात समझ आ गई। अब इसको करूंगा बेटा सी वन प्लस टू सी थ्री, सी वन क्या है, सी वन में आ जाएगा वन प्लस टू इंटू जीरो, वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन, सी वन में जीरो प्लस टू इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, फिर सी वन में क्या आएगा, माइनस टू प्लस टू इंटू वन, माइनस टू प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, फिर सी वन में क्या आएगा, वन प्लस टू, सी थ्री में माइनस थ्री ओवर फोर,
बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस 3 ओवर 2, 2 माइनस 3 ओवर 2 बेटा क्या आ जाएगा -1 ओवर 2, डन हो गया जी। अब क्या आएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएगा C1 में क्या है 0 प्लस 2, आगे क्या है 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, फिर क्या आएगा C1 में 0 प्लस 2, C3 में क्या आएगा -1 ओवर 4, बेटा ये आ जाएगा 0 माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है C2 प्लस 1 C3, C2 क्या है 0 प्लस 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, C2 क्या है 1 प्लस 1 इंटू 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, C2 क्या है -1 प्लस 1 इंटू 1, -1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। फिर बेटा C2 क्या है 1 इंटू 1, C3 है -3 ओवर 4, 1 माइनस 3 ओवर 4, 4 माइनस 3 ओवर 4 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 4, फिर क्या आएगा C2 आएगा -1 ओवर 2 प्लस 1, C3 में क्या आएगा 0 माइनस 1 ओवर 2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू -1 ओवर 2, फिर अगले में क्या आएगा C2 में क्या आएगा 0 प्लस 1 इंटू, C3 में है -1 ओवर 4, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा -1 ओवर 4। अब बेटा मैं इसको लिखने जा रहा हूं कॉलम ऑपरेशन, कॉलम वन में क्या आएगा 1 0 0 -1 ओवर 2, 0 -1 ओवर 2, कॉलम टू में क्या आएगा मतलब 0 1 0, फिर क्या आएगा 1 ओवर 4, फिर क्या आएगा -1 ओवर 2 -1 ओवर 4, फिर क्या आएगा 0 0 1, क्या आएगा -3 ओवर 4, 0 -1 ओवर 4। ओके हो गया, ये बेटा इसके दरमियान डॉटेड लाइन, ये हमने कॉलम ऑपरेशन यूज करके इस चीज को कन्वर्ट कर लिया, देख सकते हैं आप इसको। ले बेटा आप यहां से लिखूंगा सो A inverse is equals to -1 ओवर 2 1 ओवर 4 -3 ओवर 4, 0 -1 ओवर 2 0 -1 ओवर 2 -1 ओवर 4 -1 ओवर 4। लो बेटा ये इसका आंसर। हमने बेटा तीनों मेथड्स के साथ कोफैक्टर मेथड, रो ऑपरेशन मेथड और कॉलम ऑपरेशन मेथड, तीनों मेथड के साथ जब बेटा हमने सॉल्व किया तो इन तीनों का आंसर सेम आएगा। अब आपके हवाले क्या है, अब आपके हवाले है बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन का सेकंड और थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट सेम है, तीनों से आंसर, दोनों पार्ट सेम है, तीनों तरीकों से करना है, तीनों से आंसर सेम है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर एक पेपर में आपने क्वेश्चन करना है तो बेटा आप उसको उस मेथड से करेंगे। बात समझ आ गई? ओके हो गया पुत्र, अल्लाह हाफिज़।